हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10th में से लेकर 16th में तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं डिसकंटेंट एंड बोर्डम। टी लीव से आप लोगों के लिए कार्ड है टेबल। पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है मैनिफेस्ट एंड सीजर्स। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पुशिंग अपवर्ड। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है लिब्रा साइन। तो जेमिनीज, देखिए, डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो किसी भी लाइफ के एरिया में ऐसी एनर्जीज कुछ जेमिनीज के लिए रह सकती हैं, जहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा लो एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। अपने गोल, अपने मकसद के लिए इतने एक्साइटेड या फिर इतने एंथुजियास्टिक नहीं दिख रहे हैं, इतने मोटिवेटेड नहीं दिख रहे हैं, या फिर मैं अगेन कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है। जो भी आपका गोल है, मकसद है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर टी लीफ से टेबल का कार्ड कहता है हार्ड वर्क अहेड। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी लेवल पर एफर्ट्स करने हैं, मेहनत करनी है, और आप लो एनर्जीज की वजह से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने गोल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, इसलिए एक मायूसी है। तो देखिए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, इनफैक्ट सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड कह रहा है कि आप एक सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस कर रहे हैं, आप एक हैप्पी एनर्जीज में किसी चीज़ को लेकर इस वीक नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं मैनिफेस्ट एंड सीजर्स। मैनिफेस्ट का कार्ड किसी डिज़ायर, किसी विश की बात करता है। तो हो सकता है अगेन पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसको आप हर हाल में अचीव करना चाहते हैं, और उससे ही रिलेटेड एक एफर्ट, एक मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सीजर्स का कार्ड कहता है डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। और हो सकता है इसी विश, इसी डिज़ायर से रिलेटेड या फिर किसी भी और चीज़ से रिलेटेड थोड़ी सी मायूसी आप पर्सनल लाइफ के भी किसी एरिया को लेकर महसूस कर रहे हैं। और देखिए, मैनिफेस्ट के कार्ड को अगर हम देखें तो अगेन मैं कहूँगी, अपनी विश, अपनी डिज़ायर को अचीव करने के लिए आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट भी इस वीक कर सकते हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली भी चल सकते हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपकी इंटेंशंस ठीक हैं, आपके मोटिव्स ठीक हैं, तो ये ज़िंदगी है। कभी कभी हमें चीज़ों को मैनिपुलेट करना भी पड़ता है, लेकिन अगर आपके इंटेंशन ठीक नहीं हैं या फिर आपकी मैनिपुलेशन की वजह से किसी को किसी भी लेवल पे कोई नुकसान हो रहा है, तो इसको ज़रूर आप चेक करें। और देखिए, इन जनरल में भी एक हेल्दी मैनिपुलेशन शायद इस वीक रिक्वायर्ड है, ज़रूरी भी है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, कहीं वो थोड़ा सा चीज़ों को प्लेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। तो देखिए, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि अगर उनकी इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनके इंटेंशंस या मोटिव्स ठीक नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉशियस या फिर कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और देखिए, यहाँ पर गाइडेंस से पुशिंग अपवर्ड का कार्ड कहता है कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट लाने की ज़रूरत है, या फिर
मैं कहूँगी कि प्रोफेशनल लाइफ में जो एक लो एनर्जीज हैं उसमें से किसी भी हालत में आप अपने आप को बाहर निकालें, स्पेशली अगर इन एनर्जीज की वजह से किसी भी लेवल पे आप परेशान हो रहे हैं। और देखिए, अगेन ये कार्ड कहता है कि अपनी पावर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करके उनको यूज़ करने की ज़रूरत है। और देखिए, अगेन कहूँगी इन एनर्जीज में निकलने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें, आप हंसी मजाक की चीज़ें देखें जिससे कि यू नो, आपका मूड अपलिफ्ट हो, या फिर यू नो, आप शॉपिंग कर सकते हैं, किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है। तो देखिए, अगेन कुछ भी करें लेकिन अपने आप को बाहर निकालें। और यहाँ पर भी देखिए, मैनिफेस्ट का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि आपके अंदर बहुत पावर है, उसको पॉजिटिवली आप यूज़ करें, और अगर ऐसा करेंगे तो ये वीक ठीक ठाक जाएगा। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है फ्राइडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।